दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों जिंदगी में अगर परेशानियां चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। कुदरत ने हर एक परेशानी का एक सोल्यूशन दिया हुआ है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो, ये जानकारी आपको मिली है तो कुदरत ने कहीं ना कहीं आपको एक संकेत दिया है कि इस रेमेडी को आप करें। आज मैं आपको इलायची का एक ऐसा खास प्रयोग बताऊंगा जो लोग कर्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स तो दोस्तों यही आते हैं कि कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा है या फिर पैसों की समस्या बहुत ज्यादा है। तो एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताऊंगा, अगर ये आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसों से रिलेटेड जो भी परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों रेमेडीज करते हैं आप, उपाय कुछ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका आपका मन जो होता है वो साफ होना जरूरी है, आपके कर्म भी अच्छे होना जरूरी है। आप सोचे कि हम सिर्फ उपाय कर लें और हमारे कर्म खराब हैं तो फिर ये वर्क नहीं करते हैं। सबसे पहले अपने कर्मों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। गरीबों की हमेशा सेवा करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ी मात्रा में दान जरूर करिए। दान का मतलब होता है दे करके जो आना। आप जो भी दान करते हैं और हो सके तो गुप्त दान करें, गरीबों की सेवा करें। ज्यादा नहीं, 11 रुपए कर सकते हैं, 5 रुपए कर सकते हैं। आपकी जो आय होती है उसमें से 5% निकाल करके रखें जो आप दान करेंगे। दोस्तों दान करने से हमेशा धन दुगना चौगुना बढ़ता है, ठीक है। और आज मैं आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने का इलायची के द्वारा बहुत ही खास उपाय बताने वाला हूं। शुक्र ग्रह जो होता है लग्जरी का कारक होता है, साथ में शुक्रवार का दिन जो होता है माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इलायची जो होती है माता लक्ष्मी की कारक होती है, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है ना। तो आपको इस प्रयोग को शुक्रवार वाले दिन करना है, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो अभी न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और हो सके दोस्तों किसी को भी इस जानकारी की जरूरत है तो उस तक शेयर जरूर करें। आप तक ये जानकारी पहुंची है, आप भी आगे अगर किसी को ऐसा लगता है जानकारी की जरूरत है तो उस तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इस प्रयोग को आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि धन की बरकत नहीं है, अगर ये रेमेडी आप पूरे विश्वास से आप कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में धन के मार्ग खुल जाएंगे। ऐसे आपको साधन मिलेंगे कि पैसा बहाने मार मार के आपकी जिंदगी में आएगा। करना क्या है आपको, शुक्रवार वाले दिन आपको फ्रेश होके बढ़िया नहा धोके शुद्धता से स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो होती है ये स्वच्छता बहुत प्रिय पसंद करती है, तो स्वच्छता का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। नहा धोकर के स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ कपड़े पहन ले, अगर हो सके तो लाल वस्त्र धारण कर लें या पीले वस्त्र धारण कर लें। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, ठीक है। आसन लगा लें और आपको 8 इलायची लेनी है और साथ में जो बरगद वृक्ष का पत्ता होता है इसमें दोस्तों आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर की भी जरूरत पड़ेगी या मूर्ति की। और हमेशा याद रखें कि माता लक्ष्मी की कभी भी अकेली तस्वीर ना रखें, हमेशा लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान के साथ में ही पूजा करें। जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी स्वतः वास करती हैं, जहां नारायण नहीं होते हैं वहां लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती हैं। तो एक फोटो ले आए या मूर्ति ले आए माता लक्ष्मी की विष्णु भगवान के साथ में, उनको स्थापित करें पीले वस्त्र में, लाल वस्त्र में, और उसके बाद में 8 इलायची आपको क्या करना है, बरगद वृक्ष का जो पत्ता होता है उसमें रख करके माता रानी को भेंट चढ़ानी है, आपको भेंट कर देनी है, ठीक है। भेंट करने के बाद में हाथ जोड़ करके विनती करें 11 बार श्रीम बीज मंत्र जो है माता लक्ष्मी का धन प्राप्ति का 11 बार श्रीम 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 इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। उसके बाद में उसी पत्ते में आपको कपूर रख करके उस इलायची को जला देना है, इतना जला देना है कि वो पूरी भस्म बन जाए, ठीक है। जब भस्म बन जाती है तो आपको क्या करना है, अपनी जो लास्ट से सेकेंड वाली अनामिका उंगली होती है इस वाली उंगली से उसको जो राख आपने निकाली थी, भस्म निकाली थी, अपने माथे में तिलक कर लेना है। और तिलक करने के बाद में अगर मिल जाए स्फटिक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला या फिर लाल चंदन की या कमल गट्टी की माला, और ये भी नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ उंगलियों पे
आपको क्या करना है, श्रीम मंत्र का जो धन प्राप्ति का बीज मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार यदि उंगलियों पे काउंट कर रहे हैं तो 108 बार जाप करें, और यदि माला से जाप कर रहे हैं तो 3 माला या 6 माला श्रीम बीज मंत्र का अब जाप कर लें, ठीक है। ओम श्रीम 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 इस तरीके से जाप कर लें मंत्र का। ये हो गया आपका पहला प्रयोग। आप चाहें तो इस प्रयोग को डेली कर सकते हैं, लेकिन जो डेली नहीं कर सकते वो सिर्फ शुक्रवार शुक्रवार इस प्रयोग को करना शुरू कर दें, एक या दो शुक्रवार आप करें, उसके बाद में इसके रिजल्ट देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव बताएं। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरा प्रयोग ये बता रहा हूं दोस्तों आपको, शुक्रवार वाले दिन जो पीपल का जो वृक्ष होता है ये साक्षात नारायण कहे गए हैं। पीपल वृक्ष में हर एक पत्ते में देव मनुष्य देव पितृ यक्ष गंधर्व डाकनी शाकनी सभी का वास होता है, और जो पीपल वृक्ष जो होता है ये साक्षात नारायण कहे गए। तो शुक्रवार वाले दिन सुबह में यानी कि 10 बजे से या 8 बजे से पहले 8 इलायची लेकर के आप नहा धो करके स्वच्छ होकर के हर शुक्रवार को ये नियम बना लें। आपको यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहे, माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचला होता है लेकिन आप चाहते हैं कि घर में स्थिर रहे, तो उसके लिए हर शुक्रवार के दिन में 8 इलायची लेकर के और पीपल वृक्ष के नीचे जाएं शुक्रवार वाले दिन, ठीक है। और एक चीज का याद रखें दोस्तों कि जब भी आप कोई प्रयोग करते हैं तो वृक्ष को कभी भी नुकसान ना पहुंचाए। अब आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे आपको थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके हाथ में जो आपने इलायची ली हुई थी इसको आप हाथ में रखेंगे सीधे हाथ में और 108 बार जाप करेंगे, और उसके बाद में श्रीम मंत्र का 108 बार जाप करके और गड्ढा खोद करके उसके नीचे दबा दें और पीछे पलट के ना देखें सीधे घर आ जाएं। एक दो शुक्रवार करिए उसके बाद में देखिए सर गजब का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों याद रहे अगर आपको इसका रिजल्ट मिलने लगता है तो आपको छोड़ना नहीं है इस क्रिया को। पीपल वृक्ष में जो आपने इलायची गड़ाई थी अगर आपको एक या दो शुक्रवार में इसका रिजल्ट मिलने लगता है तो आप इसको हैबिट बना लीजिए, कंटिन्यू इस नियम को करते रहिए, हमेशा धन की बरकत बनी रहेगी, पैसे हमेशा जिंदगी में आते रहेंगे, मतलब कि पैसों से संबंधित कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, ठीक है। अब तीसरा दोस्तों आपको क्या करना है, दही जो होता है, दही का जो नित्य सेवन करता है माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन जो लोग दही नित्य सेवन नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन में दही का सेवन जरूर करें, और साथ में शुक्रवार वाले दिन खीर जो होती है खीर बनाएं, उसमें इलायची डालें और ये माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद में घर के सभी मेंबर साथ बैठकर यदि इस खीर को खाते हैं तो माता लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाती हैं। खीर का जो प्रसाद होता है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, और साथ में इलायची डाल करके आप जो करेंगे तो आपके शुक्र भी बलवान होंगे और साथ में माता लक्ष्मी भी आपकी कृपा बरसाएंगी। और शुक्र जिसके बलवान होते हैं दोस्तों, मैं काफी वीडियो बना चुका हूं शुक्र के राहु के शनि के, आप चैनल पर चेकआउट करेंगे तो मैंने शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए, शनि को स्ट्रांग करने के लिए, शनि की दशा से मुक्ति के लिए, राहु को स्ट्रांग करने के लिए, केतु को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। राहु जिस पर प्रसन्न होते हैं वो अचानक अचानक से धन दिलवाते हैं, लेकिन राहु जिसके बिगड़े होते हैं तो उनकी जिंदगी में परेशानियां क्रिएट करते रहते हैं, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, बर्बाद होता जाएगा। तो आप चैनल पर एक बार चेकआउट जरूर करें, आपकी हर एक परेशानी का जो सोल्यूशन है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, हर परेशानी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये जो प्रयोग मैंने बताया इस प्रयोग को पूरी श्रद्धा विश्वास से जरूर करिए, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर कीजिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे सुखी रहे संपन्न रहे।